Hello, good morning students. Welcome to DSS online classes. Today we are going the next video of chapter 9, which name is the internet application. The internet application. And we have already discussed some important introduction of internet in the previous video. Now we will discuss further. The term used in internet. What terms are used in the internet? अब हम इसी की बात करेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से टर्म इसमें यूज करे जाते हैं. सबसे पहले हम बात करें, हमने पिछले में बात करी थी वेब पेज की, जहां हमने कहा था वेब पेज इज अ डिजिटल पेज ऑन इंटरनेट वेयर the information are present, the information or ideas are present. जहाँ पे हमारी information लिखी रहती है, the page is a digital page where the information and ideas are present. जहाँ सारे information idea लिखे होते हैं, उस जगह को हम, उस प्लेस को हम कह देते हैं क्या, वेब पेज. सेकंड बात करेंगे वेबसाइट. व्हाट इज वेबसाइट? आई फॉर ए सिंपल डेफिनेशन, वेबसाइट, अ वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, वेबसाइट कह देते हैं. तो जैसे हमने कहा पिछले वीडियो में कि आप, आपकी बुक का एक एक पेज समझ लीजिए कि एक एक वेब पेज की तरह काम कर रहा है, और आपने उन सारे पेजेस को अरेंज कर दिया, एक सीक्वेंस में लगा दिया, तो वो बुक बन गई. तो बुक क्या कहलाएगी आपकी, वो वेबसाइट कहलाएगी. ठीक है, तो वेब पेज एक डिजिटल पेज है जहाँ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, और वेबसाइट क्या है, उन सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसे हम वेबसाइट कहते हैं. द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट. सेकंड बात करें हाइपरलिंक. व्हाट इज हाइपरलिंक? समटाइम्स यू सी ऑन वेब पेजेस अ ब्लू कलर रिटन टेक्स्ट और इमेजेस. क्या है कि आप बहुत सारे टेक्स्ट को देखते हैं, जैसे लिखा है गूगल, और उस अंडरलाइन ब्लू कलर में लिखती है या कोई और कलर, और जैसे ही आप उस पर पॉइंटर कर्सर को ले जाते हैं, आपको हैंड का ये पॉइंटर का जो सिंबल होता है, इस तरीके से पॉइंटर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है हैंड के सिंबल में. इस तरीके से तो वो पॉइंटर का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है इस हैंड के सिंबल में. तो और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप कहां चले जाते हैं, यू एक्सेस ऑन द अनदर वेब पेज ऑफ गूगल. ये कह लीजिए कि आप गूगल के पेज पे क्या कर जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं. जैसे कोई इमेज वगैरह दी होती है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप किसी और वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, आप एक्सेस कर लेते हैं डायरेक्टली. तो ये कहने का मतलब कि अ टेक्स्ट और अ पिक्चर, अ टेक्स्ट और अ पिक्चर दैट अलाउ अ यूजर एक्सेस अनदर वेब पेज, जो क्या करता है किसी और वेब पेज पर उसको एक्सेस करा दे, ऐसे को हम बोल देते हैं क्या, हाइपरलिंक. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन. कहने का मतलब क्या है कि ऐसे गूगल लिखा हुआ है समझिए कि कोई ऐसे लिखे अमेज़न, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप अमेज़न की साइट पर चले जाते हैं, तो ये आपको एक्सेस करा रहा है.
कि आप जैसे ही इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या तो ये क्या है, एक लिंक है, जैसे ही आप इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप अमेज़न की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो हाइपरलिंक क्या करता है, हाइपरलिंक यूजर को अलाउ करता है कि आप सिर्फ एक क्लिक करिए और आप डायरेक्ट उस वेब पेज पे या वेबसाइट पे आप एक्सेस कर जाए। हाइपरलिंक की जो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, हाइपरलिंक इज अ एक ऐसा लिंक, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है, और उस लिंक को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और वेब पेज पे एक्सेस कर जाते हैं। तो ये उस टर्म पे, जैसे वेब पेज आप पढ़ चुके हैं कि एक पेज है जहाँ सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, अ पेज ऑन इंटरनेट वेयर द इंफॉर्मेशन और आइडियाज आर रिटन, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेजेस, हाइपरलिंक इज अ लिंक दैट अलाउ द यूजर एक्सेस अनदर वेब पेज। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टर्म, एक दूसरे टर्म की बात करते हैं। अनदर टर्म इज होम पेज। व्हाट इज होम पेज? होम पेज इज द फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज के लिए और मेन पेज के लिए, मेन पेज ऑफ द ऑफ इन वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट की जो पहली पेज होती है वो क्या होती है, होम पेज होती है, जो फर्स्ट पेज। जैसे आपने प्रेजेंटेशन में पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट स्लाइड इज नोन एज टाइटल स्लाइड, क्योंकि हम वहां टाइटल की बात करते हैं। जो भी हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में टॉपिक होते थे हम उसको टाइटल स्लाइड में लिखते थे। उसी तरह होम पेज भी क्या है, एक तरह से टाइटल स्लाइड की तरह ही आप कह लीजिए कि हर वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है किस, तो उसी को हम होम पेज कह देते हैं। जैसे आपने लिख दिया www.amazon.in, ऐसे लिख दिया। अब जैसे ही आपने लिखा, आपको जो पहला पेज दिखता है इस वेबसाइट को, जो पहला पेज दिखता है वही क्या कहला जाती है, होम पेज कहला जाता है। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतने टर्म आप लोगों को समझ में आ गए। एक और बात करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या हम इसको बोलते हैं URL। व्हाट इज URL? तो अब देखिए, ये हमने वेबसाइट की एड्रेस लिख दी। जैसे ही आप इस पर क्या करेंगे, लिख के और गो का बटन दबाएंगे, गो का बटन आपने दबा दिया, जैसे ही दबाएंगे आप इस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वेबसाइट पर जाने के लिए हमें किसी एड्रेस की जरूरत होगी। वो एड्रेस कौन डिफाइन कर रहा है, ये एड्रेस है, ये किसी भी वेबसाइट का क्या है, एड्रेस है। इस एड्रेस को, इस अमेज़न की वेबसाइट ये एड्रेस को शो कर रहा है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, URL कह देते हैं। द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड URL। सिंपल सी डेफिनेशन की, द एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर URL। किसी भी वेब पेज की जो एड्रेस है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज की या इंटरनेट डॉक्यूमेंट कह लीजिए, उसकी जो एड्रेस होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, URL कह देते हैं।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो जो एड्रेस होता है वही हमारे लिए कहलाता है। यहाँ आप समझते हैं फर्स्ट पेज जो कहलाती है वो होम पेज कहलाती है, और जो एड्रेस होती है वो क्या कहलाती है, वो यूआरएल कहलाती है। ठीक है, और अब इसके बाद बाकी कुछ तो हम देखेंगे लेकिन वो सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।